ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आमतौर पर आपके खाने का स्वाद बढ़ाने में हींग का इस्तेमाल जरूर होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हींग आपको कई समस्याओं से मुक्ति भी दिला सकती है? दरअसल हींग का प्रयोग आपको मालामाल बना सकता है। हींग के प्रयोग करने से न सिर्फ आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी बल्कि आपकी आर्थिक परेशानी भी दूर होगी। साथ ही घर से नकारात्मक शक्ति और जादू टोना हर चीज दूर हो जाएगी। आप हींग के प्रयोग से अपना भाग्य भी चमका सकते हैं। आइए जानते हैं उन चमत्कारिक उपाय के बारे में। कर्ज से मिलेगी मुक्ति। 21 या 41 दिनों तक हर रोज नहाने के पानी में आप चुटकी भर थोड़ी सी हींग मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति के रास्ते जरूर मिल जाएंगे। साथ ही आप हींग के साथ लाल मसूर की दाल दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको कभी कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नौकरी में मिलेगी आपको सफलता। अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और थोड़े घबरा रहे हैं तो 1 ग्राम हींग हाथ में रखें और फिर 21 बार श्री का उच्चारण करें। इसके बाद हींग को पानी के साथ निगल जाएं और फिर घर से निकलें। ध्यान रहे कि जाते समय घर की तरफ मुड़कर ना देखें। अगर आपने मेहनत की होगी तो आपको कोई परेशानी आड़े नहीं आएगी। जादू टोना का असर होगा खत्म। अगर आपके परिवार के सदस्य पर किसी ने जादू टोना कर दिया है तो उस सदस्य को हींग के पानी का कुल्ला करवाएं। लगातार ऐसा करने से जादू टोने का असर खत्म हो जाएगा। घर से दूर होंगी नकारात्मक शक्तियां। घर से नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए 5 ग्राम हींग, 5 ग्राम कपूर और 5 ग्राम काली मिर्च को मिलाकर पाउडर बना लें। इसके बाद पाउडर को राई के बराबर गोलियां बनाकर 2 हिस्सों में बांटकर रख दें। 3 दिनों तक एक हिस्से को सुबह और एक हिस्से को शाम को जलाएं। ऐसा करने से बुरी नजर और बुरी शक्ति सब अपने आप खत्म हो जाएंगी। हर कार्य में मिलेगी सफलता। आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिस पर आपका भविष्य टिका है तो आप एक हींग का टुकड़ा अपने हाथ में ले लें और उसे मेन गेट तक ले जाएं। इसके बाद अपने ऊपर से 3 बार घुमाकर उत्तर दिशा की तरफ फेंक दें और घर से निकल जाएं। ऐसा करने से आपको सफलता मिलेगी। हर तरह के बाधा से मिलेगी मुक्ति। आपको ऊपरी बाधा जैसे नकारात्मक शक्तियां आपको परेशान कर रही हैं तो हींग का ये उपाय जरूर फायदा देगा। इसके लिए आप लहसुन के अर्क में हींग और कपूर की टिक्की पीसकर रस में मिला लें और उस पेस्ट का काजल लगा लें। काजल लगाते समय ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का 11 बार जप करें और फिर आंखें खोलें। लगातार ऐसा करने से आपके ऊपर से बाधा दूर हो जाएगी। दोस्तों, हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको किसी विषय पर वीडियो बनवाना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर लिखें।